अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। और देखो मैं इतना तैयार होकर बैठी हूँ, तो मैं गई थी मिलाद पे, आज बच्चों के स्कूल में मिलाद था और मदर्स को भी साथ में इनवाइट किया गया था, तो बस वहीं से होकर अभी आई हूँ। और अब हम जा रहे हैं एक और जगह पर, बहुत ज्यादा जरूरी काम है और हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। प्लॉट को देखें, काफी दिनों बाद आज हम इस वाले रास्ते से आ रहे हैं। ये देखो यहाँ से भी पूरा हमारा शहर दिखता है। यहाँ पर थी हमारी मीटिंग, तकरीबन 2 घंटे हमें यहाँ पर लग गए हैं और अब जाकर हम फ्री हुए हैं। ये देखो पूरे 2 बज गए हैं, तो अब बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, बच्चों को भी अब हम ले लेते हैं यहाँ से। ये देखो तैबा की छुट्टी हो गई, तैबा आ रही है माशाल्लाह। मम्मा की शहजादी, मम्मा की रानी देखो आ रही है। आ गया मम्मा का बच्चा, आ गया। चलो फ्रेंड पहले चलेगी, तबीयत ठीक नहीं थी उसकी। देखो आज माली आया था तो हमने उसको बोल कर ना यहाँ पर ये सारा ना सफाई करा दिए, सारा ग्रास कटा दिए। अब मुझे इसकी है कि हरी तुरी की बेल देखो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पता है। तो यहाँ से निकल के सारे फूलों में, हर एक चीज में जा रही है। पर ऐसे फूल भी खिले हुए इतने अच्छे लग रहे हैं ना ग्रीन ग्रास में। आज तो इसमें भी फ्रेश फूल निकले हुए हैं। ये देखो एक ऐसा ऑरेंज है और एक ऐसा पिंक पिंक है। इनकी तो खुशबू भी बहुत प्यारी है। आलू और ये देखो ये हमने जो कल मंगाए थे ये वहीं के वहीं खड़े, आज इनको भी कहीं सेट करना है। और बाकी इसके अलावा आज हमने ऊपर वाले जो गमले थे उनको भी सेट करना है। बस उन्होंने बोला था जिसको मिलाद पे आएंगे वो 300 दे दीजिएगा, तो सबको दुपट्टा मिला। फिर बच्चों ने भी यही कलर का दुपट्टा पहना हुआ था। और ये देखो सुबह मुझसे बाल बनवा के गई थी मम्मा से, अच्छे लगे थे। और अभी मैं व्लॉग अपना एडिट करके फ्री हुई हूँ, आती मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए। ये देखो तैबा को इधर ही नींद आ गई और आयत को अभी मैं नहला धुला कर आई हूँ और इसको अभी तैयारी करानी है और अभी ये ट्यूशन जाएगी। तो आयत को मैंने फ्रेश करा लिया, अभी खाने का टाइम है, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, इसको भी जगा दिए। नीचे पापा हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी अब खाना खाना। आज आयत इतने दिनों बाद ट्यूशन जा रहे, इसका पाँव ही ठीक नहीं हो रहा था। ये देखो देखो अब जाके ये कुछ बेहतर हुआ, वरना ये बहुत छोटा सा दाना देखो ऐसा फैलता फैलता फिर एक यहाँ पे निकल आया। फिर इसको ना ये एक सर्जन को दिखाया तो उसके बाद दवाई जैसे दी है तो उससे काफी फर्क पड़ा है। पापा गुस्से हो रही है, हो गया लोशन है ये अभी सूख जाएगा। एक मिनट ध्यान से निकलो। आ रहे बस आ गए। पहनो अभी, पेन नहीं होगा अभी, पहनो। गुड गर्ल, पहनो ये वाला भी। अब हो रहा है हाँ ऐसे करके। चलो आगे चलो। आज देखो इतने दिनों बाद मेरी बेटी जा रही है ट्यूशन। टॉम एंड जेरी वाले कपड़े देखो इसके, तो मेरा बच्चा भी बैठो। ओके लाफिज। नहीं मैं बैठी हूँ, मैं चाय पीऊंगी अभी। सुबह सुबह मैं निकल गई थी, वापसी पे मेरे पते व्लॉग एडिट करके अभी अपलोड की। चाय रखूंगी, आप आओ फिर। आ रहे हो? ऊपर है, फिर ऊपर वाले रूम में मांगोगा आपका। सुबह सुबह क्या हुआ? देखो बार बार ऐसे हॉर्न दे के ना मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मैं बार बार देखूं चेक करूं क्या हुआ। मजेदार गर्मा गर्म हमारी इलायची वाली चाय बन गई, एक मेरा कप और एक मेरे हस्बैंड का कप बन गया। अभी जैसे वो आएंगे तो चलो ऊपर लेकर चलते। मैं चाय अभी पीने वाली थी, आप पी। मैंने नमाज का वजू किया और व्लॉग एडिट कर रहा था, सोचा कि मैं अपनी तो पी रही हूँ अब आपकी भी खत्म कर लूँ।
आज मेरा व्लॉग ही नहीं अपलोड होने में, मुझे भी इतना टाइम लग गया, अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ। और कल से गमले वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, वो मुझे प्लांट भी ठीक करके दो। घास आई हुई है ना, वो सारी निकालूंगी। आज मिलके हम गार्डनिंग का काम करने वाले, माली का काम। इधर या नीचे? ऊपर वाली में भी घास है ना, नीचे वाला गार्डन तो साफ कर गया माल। हाँ, माली आया था तब आप नहीं थे, हमने साफ करवाया। आपने कहाँ साफ कराया है? यहाँ से इसकी कर लेते हैं हम अपने सारे प्लांट की साफ सफाई। जड़ से तो ये निकल नहीं रहे, कुछ कुछ जड़ से निकल रहे हैं। और इस तरीके से ये देखो, कुछ टूट रहे हैं ना, कुछ एंड तक नहीं निकल रहे। ये देखो इतनी जड़ इनकी मजबूत हुई हुई है। अभी ना पता नहीं कटर कहाँ रखा है। ये देखो ये काफी सारे पत्ते सूखे हुए हैं और इन पर देखो करीब से तो कांटे भी हैं, तो हाथ में चुभेंगे। जो ये छोटा छोटा घास है ना, ये तो खैर मैं निकाल रही हूँ ताकि अच्छे से इनको साफ करके फिर हम इनको पानी लगाएंगे। गमले ही साफ हुए हैं तो ये इतनी सारी घास इन दो गमलों से निकली है। जब मैं इनको डेली साफ करूंगी ना तो इतना नहीं होगी। अभी पता क्या है कि ये डेली साफ सफाई नहीं होती रही, बड़ी हो गई है। जैसा डेली होता है ना तो थोड़ा बहुत, जैसे थोड़ी छोटी छोटी घास निकलती है फौरन से उसको निकाल लो। अब इसकी बारी है। ये देखो ये मैं कल दिखा रही थी आपको फूल के, देखो कितने सारे माशाल्लाह से एक साथ इनका ना फूलों का बंच निकला है बड़ा सा। इतने प्यारे लग रहे हैं सारे एक साथ खिले। अभी देखो इनमें से और भी काफी सारे निकलने वाले हैं, ये भी सारे एक साथ ही खिलेंगे। तो ये तो पूरा एक साथ फूल निकले हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर ये जो पास गमले थे इन सारे गमलों की सफाई हो गई है। अब देखो ये रह गया है, इसमें तो देखो कितनी ज्यादा घास हो गई है। आप जैसा ये देखो, ये भी पूरी पूरी डंडियां सूखी हुई हैं, हाथ में आ रही हैं ऐसे हाथ लगाने से। ये देखो, चलो ये देखो अच्छी खासी साफ सफाई तो मैंने यहाँ पर सारे पौधों की कर दी है। ये देखो सारे गमले मैंने खाली कर दिए। कितनी आवाजें मैंने आपको दी, अगर आप एक मिनट में आप नहीं आ रहे होते ना तो मैं आपसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। कल से मैंने गमले रखे हुए हैं, कितनी आवाजें दे 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 के। पहले मैंने गैलरी की सारी साफ सफाई कर दी, मैंने कहा गमले रखते तो कल से लेकर रखे हैं ये प्लांट हमने। ये देखो ये रहे हमारे प्यारे प्यारे से प्लांट, अब इनको यहाँ पे रखना है। देखो बहुत ज्यादा वजन है, इसको रखना है ये उधर नहीं रखना, उधर एसी का ये क्यों इधर लगा हुआ है, इधर रख देते हैं। अच्छा ये लेकर तो चलो अंधे जल्दी करो, उठाओ उठाओ पकड़ो लगा के हैया, जोर लगा के हैया, वो आखिर में रखो आखिर में ना, लाख रखने पड़ेंगे। हाँ दो ईंट है, क्यों पानी जमा हो जाता है, नीचे से गमला खराब हो जाएगा। चलो ये वाला तो आप उठा लोगे ना? नहीं नहीं वजनी है, वो ये तो बहुत ज्यादा उसके वजनी है, गिर गया तो टूट जाएगा। उठाया जा रहा मुझसे, वजनी है ना, वजन इनका बहुत ज्यादा है। चलो 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 बिस्मिल्लाह। यार तो मेरे हाथ से नहीं 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 मुझे हाथ से आई गिर गया। चलो चलो खुद उठा गए, वो नहीं मैं उठा रही बस। नीचे की भी सारी साफ सफाई करके आई हूँ बालकनी की, ये जोर लगा के हैया ऐसे काम करते देखो। तो चलो सबसे पहले हमने इनको पानी देना शुरू कर दिए। अब याद रखना है अनु ने भी हलीमा ने भी सब ने, मैं अगर भूल भी जाऊँ ना एक दो एक दिन छोड़ के इनको डेली पानी देना होगा। एक दिन छोड़ के डेली ठीक है रख दो ना।
तो इन सबको यहाँ पर हमने पानी लगा दिया, क्योंकि कल से जैसे आए ना खुश्क मट्टी में ऐसे ही पड़े थे। और ये हरा धनिया तो हमारा पहले का ही लगा हुआ है, और एक देखो यहाँ पर हमने लगा दिए। ये हमने धनिया और हरी लहसुन उगानी है, वो सारे मैंने लाइन से यहाँ रख दिए। अब मैं सोच रही हूँ यहाँ ना दीवार पर ऊपर रख देंगे, ये यहाँ पर धूप भी यहाँ पर सही से लगेगी। एरोप्लेन को देख के मुझे मेरी मलेशिया वाली फ्लाइट याद आ गई, जो इस पे झटके लगे थे, जो मुझे डर लगा था। अब मैं एरोप्लेन से बहुत डरती हूँ, गया। लेकिन ये है कि जब ये नीचे आता है ना, जब ये छोटे छोटे मकान हमें दिखना शुरू होते हैं, तब थोड़ा खौफ खत्म हो जाता है कि हाँ अब लैंडिंग होने वाली है। इस तरीके से देखो हमने गमले रखे हैं, बीच में कुछ खाली भी हैं, इनमें कुछ लगाएंगे अभी। और बीच में बस ये आ रहा है एसी का आउटर, अब अच्छा तो नहीं लग रहा बीच में, क्या करे। सदके मम्मा सदके मेरा शहजादो, मेरी बच्ची आ गई, आ गई पढ़ के। और बहना रोई तो नहीं थी, अब तबीयत ठीक थी ना उसकी? नहीं आई आयत को, नहीं आई, छोड़ दो आयत, नहीं आई। मैं नीचे जा रही हूँ, वो बाहर जाना है ना, सामान लेना स्कूल का। पापा के साथ जा रही हो? ये मैसेज। अरे मेरा बच्चा भी आ गया, मेरी रानी। ये नहीं कर रही। ये क्या डॉल्स के लिए लेकर आई हो, छोटा सा ब्रश है मम्मा, ये दीदू और ये ब्रश है। जब भी आओ ना यहाँ पर, अम्मी की ऐसी याद आती है कि अम्मी यहाँ बैठती थी। तो देखो अम्मी के लिए मैंने ये लिया था, तो इसको भी कब से मैंने पैक करके रख दिया, कोई बैठता ही नहीं है, और सारा ना ये बार बार मट्टी मट्टी होता जा रहा था, तो इसको हमने ऐसा ही पैक करके रख दिए कि इनशाला अम्मी जब आएंगी तो तब यूज करेंगी, और कमरा भी अम्मी तब भी इस्तेमाल करेंगी। अभी फिलहाल जो भी आता जाता है, जैसे अभी अन्नू है तो वो रह रही है यहाँ पे। अम्मी की सिलाई मशीन हर एक चीज वहीं की वहीं पड़ी है जैसे अम्मी सेट करके गई थी, बाकी पूरा रूम खाली खाली। नहीं रखो, गिरेगा पत्ता टूट जाएगा इसका। जोर लगा के खाई यार, जोर लगा के निशान पड़ रहे नीचे। वजन तो है इनका, खैर अच्छा खासा वजन है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ट्रक लेकर आ रही हूँ, इतना बड़ा। आप सही लग रहे हैं यहाँ पर, दिखाओ जरा। अब देखो यहाँ पे क्या ठीक लग रहा है, यहाँ पे भी सही नहीं लग रहा, इतना खास नहीं। ये देखो मुझे तो यहाँ कुछ खास नहीं लग रहा, या फिर इसकी जगह वो वाला रख देते हैं, ये वाला। एक तो है वजनी, बार बार हिलाया भी नहीं जाता, उस कोने में अच्छा लगेगा, या फिर उस कोने में लैंप वाली जगह। मैंने हटाया तो मुझे लग पता गया हिलाने में इसको वजन है बहुत ज्यादा। इनके पापा तो खैर बाहर गए हुए, तो अब क्या करें, थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या एक वो वाला हटा ले, नहीं अच्छा लग रहा। मैं सोच रही हूँ इस लैंप को कहीं हम आगे पीछे करते हैं, इसको फिर मैं यहाँ रखती हूँ। ये इतने बड़े गमले हैं, उठा ही नहीं जा रहा। उठा के दिखाओ, कह रही है कौन सा वजनी है, उठाओ पता चले, ऐसे ही बोल रही है। चलो यहीं से पकड़ लो, यहीं से कौन सा, चलो चलो भागो, अन्नू जोर लगाओ। नहीं लग रहा, इससे बेहतर है कि हम दूसरा वाला रख दे, ये नहीं अच्छा लग रहा। अब बताओ, दिखाओ जरा, देखें तो इधर कैमरे में दिखाओ। ये वाला ठीक लग रहा है, उससे तो अच्छा लग रहा है ये वाला। मैं क्या करती हूँ कि व्हाइट पत्थर तो मेरे पास पड़े हैं, वो हम डाल देंगे, तो ये जो मट्टी है ना वो भी कवर हो जाएगी, तो अच्छा लगेगा ये। मुझे लगता है ये प्यारा लग रहा है। ठीक लगेगा, और इसकी कोई जगह नहीं बन पा रही। अरे अब यहाँ पर ठीक ना लगाना, इसको मैं यहाँ से अब नहीं हिलाऊंगी, मैं बहुत थक गई, इधर ही रहने देते हैं। हटो आयत, मुझे लगता है यहाँ से ही लगेगा। चलो चलो चलो, कॉर्नर में ये वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पर ये जगह भी छुप जाएगी। इसे स्टार्ट तो अमेजिंग कहती है, अमेजिंग। ये भी यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पर ये आ गया, अब अच्छा लग रहा है। ये ऊपर का था? नहीं नहीं, ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, ऊपर यही अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पर हमारा लैम्प मेरे ख्याल से यही से ही अच्छा लग रहा है, अब ठीक लग रहा है ना। यहाँ पर ये कोना भी खाली खाली था, यहाँ पे लैम्प आ गया, और वहां पर हमारा वो वाला पॉट आ गया। ये जब मैं सितारा का सामान शूट कर रही थी ना, ये उस टाइम की लालटीन, ये तब की ली थी। ये देखो ये कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक है, ये सेल डालो तो ये चलती है। अब ऑन करो, ये देखो ये ऐसे जलती है। मुझे तो लैम्प यहाँ पर इस कोने में अच्छा लग रहा है, पता नहीं ये किसी से लगा है कुछ हुआ है, थोड़ा सा ना टेढ़ा हुआ हो इसको, मैं जितना ऊपर कर रही हूँ तो ये फिक्स नहीं हो रहा, कुछ हुआ है। घर में इतना अंधेरा कर दिया, लाइट्स ऑन करो सब। यू फेस के साथ रख के ना ऐसे चल देते।
कोई है। इस टाइम जब हमें ड्रामा लगता था हमारा, कोई है। देखो मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, ऐसी कहानी जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, और वो सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई भी नहीं जानता। हंसने की क्या जरूरत है। लेकर आए हैं फ्रूट, ये सफर में पड़े, इनको सबको वॉश करके इनको रखते हैं। बाकी जब मुस्तफा आएगा, मेरे हस्बैंड आएंगे, तब रोटी पकेगी। सालन तो हमारे दोपहर का बना हुआ है। और इसके काम देखो, ये चेयर लेकर आई, क्या क्या काम है आपका? ये चम्मच देखो, सारे निकाले हुए, रंग बिरंगी चम्मच सारे निकाल कर ले आई। और इसको ये दोनों अच्छे से हाथ चलाओ, ये अच्छे से काम करते हैं। चलो अब इसको क्या धोना है, चम्मच धोने अपने। ये हमारे ठीक है, अभी आप धोती रहो। अब यहाँ पर हम अपने इस प्लांट को पानी भी दे दे, बेचारा किसके अंदर इतना हिम्मत आ गई जो गमले उठा के वहाँ तक ले गए हैं। हाँ? ये मेरे अंदर इतनी बड़ी बात है। आपको क्या लगा, इंतजार कर करके आपका आखिर आप नहीं आए? सीढ़ियां चढ़ा दी हैं, दो तीन बार चेंज किए, एक बार भी चेंज नहीं किया। और वो देखो हमारा लैंप, मुसा लैंप तो देखो वहाँ अच्छा लग रहा है। केन क्यों हटा? केन हटा के पहले यहाँ पर रखना था ना। मम्मी जी काम खत्म हो गया, मम्मी जी खाना बना के देंगी। मम्मी भूख लग रही है, अभी बनाएंगे। कब बनाओगी? अभी बना रही हूं, मेरी हेल्प कर लो। कर रही हूँ पापा के साथ। हाँ ये चीज, अरे वाह, चीजें लेकर आई है तो अपनी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो घर पे पड़ा है कितना सारा, ये वाला कस्टर्ड पड़ा है ना, मैंगो कस्टर्ड इतना सारा भर के पड़ा हुआ है। तीन डब्बे भर के पड़े हुए, एक ये हो गया और दो वो हो गए। तो इतना जिद करती है, मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। तो खैर गई अपने पापा के साथ, जाकर पूरा ये स्ट्रॉबेरी वाला डब्बा आखिर लेकर आइए। अब इसका ये कस्टर्ड बनेगा। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर सबर कर लो। कस्टर्ड बन रहा है, वो भी आपकी, आपका फेवरेट, आप दोनों का। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया, और मिक्स करते करते थोड़ा सा देखो यहाँ पे मुझसे गिर भी गया। और बस ये देखो, ये हमारा जो है ना कस्टर्ड, इतना सा कोई टाइम लगा है, बन गया है। वरना ये रोती रहती है और फिर मुझे जो है ना नींद नहीं आती। ये रोके सो जाए, मैं जबरदस्ती अगर खिलाती ना मैंगो वाला, खा भी लेती, जल्दी ठंडा हो जाएगा। देखो हमेशा अम्मी के रूम में ही हम ठंडा करने के लिए रखते हैं कस्टर्ड। यहाँ पे क्या है कि कोई बच्चा नहीं आएगा, यहाँ पर फैन ऑन कर देते हैं, कोई नहीं आता, जल्दी ठंडा हो जाता है। देखो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और इन सारे बैग्स को, पता है जो मैंने कुछ टाइम पहले संदूक लिया था ना, मैंने आप सबको दिखाया था, तो यहाँ से ये बैग मैंने इस वजह से नहीं उठाए थे कि इसमें ना कुछ सर्दियों के हमारे कपड़े हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन बैग को सारा एक एक करके इनमें से जितना भी सर्दियों के कपड़े उनको अलग करते हैं। सर्दियों के कपड़े इसमें से कुछ निकलते गए। ख्याल से नहीं है, इसमें भी है काफी। ये देखो हमारी जैकेट निकल गई, आयत की देखो जैकेट पड़ी है, तैयबा की हो गई है। बल्कि ये वाला बैग वो है जो मैं मलेशिया लेकर गई थी, ये देखो इसमें तो मेरी कुर्तियां पड़ी हुई हैं जो मैं वहां पर लेकर गई थी। आपके काफी सारे कमेंट आते रहे थे, और मैं वहां पर डेली तैयार होकर निकलना, घूमना फिरना इतना था कि मैंने सोचा था पाकिस्तान जाके आप सबको बताऊंगी कि हमने कहां कहां से ली। कुछ मैंने सफायर से ली, कुछ मैंने खाड़ी से ली, तो इस तरह से ये सारी कुर्तियां मैंने वहां से ली थी। और काफी सारी तो मैंने स्टिच भी कराई है ना, इसलिए थी। ये देखो ये वाली कुर्ती तो मेरी रेडीमेड थी, और ये मेरी एयरपोर्ट की थी जब मैं यहाँ से ट्रैवल करके फर्स्ट टाइम हम मलेशिया गए थे पाकिस्तान से, तो ये पहली कुर्ती मैंने तभी पहनी थी। क्या कर रहे हो, आपकी बहनें दोनों सो गई है। यहाँ से तो अच्छा खासा हमने साफ सफाई कर दिया। ये वाला कॉर्नर पहले फुल था सामान से, ये वाला फुल था। और मैं इसी के साथ आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। थोड़ी आज मसरूफ थी, बाहर गए थे, थोड़ा काम था, इंशाल्लाह हो जाएगा तो कुछ दिन में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बाकी खैर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इन सबको जवाब देने वाली हूँ, तो मैं उन सबको जवाब दूंगी। बाकी अगली वीडियो आप देखिएगा। उनके लिए इतना ज्यादा दुख हो रहा है कि चलो फैमिली में, खानदान में सबको बुरा भला बोलते रहते, उनमें तो किसी ने वफा की नहीं। उसके बाद जो गैर मिले, गैर भी अपने बने हुए थे, वही अपनों में कौन अदाकार छुपा हुआ है किसी का पता ही नहीं है कि कौन इसमें से अपना, कोई अपना नहीं है। सब अपने मफाद के लिए आते हैं, अपने मफाद के लिए वीडियोज बनाते हैं, जब उनको फायदा मिलता है, जब तक
बना रहे होते हैं मेरे नाम से, और जब उनको लगता है कि नहीं अभी बहुत हो गया है, अभी इसकी हेट में आती है, तो अपनी मर्जी से पलट जाते हैं, हेट में आ जाते हैं। होता है देखो, हेट में तो है शुरू से, एक हेट में है, हेटर हैं, उनको हेटर ही मानते हैं, लेकिन जो अपने बनकर डसते हैं उनका एक ज्यादा दुख होता है। तो चलो कोई नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा, बल्कि अभी थोड़ी देर में मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप जरूर देखिएगा।